लेडीज एंड जेंटमैन मॉड्यूल नाइनटी फिफ्थ अनसर्टेनिटी एंड सोशल प्रोग्रेस लास्टली वी अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेन कंडीशन अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी और सोशल प्रोग्रेस में क्या रिलेशन है जी देखते हैं कि चेंज इन दर्म्स ऑफ ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस देखें चेंज मैंने आपको कहा था वो ड्राइव करता है आपका एक हाथ काट जाए सीधा हाथ जिससे आप लिखते हैं तो आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या सी बात है उल्टा हाथ सो so, अगर मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कहूं कि आप जरा सीधे हाथ से कोई चीज लिखें तो आमतौर पर ट्रेनिंग में भी ये प्रैक्टिस करवाते हैं आप सीधे हाथ से लिखना शुरू कर दीजिए आप फौरी मुझे लिख के दे देंगे कि आपको टेन सेकेंड या थर्टी सेकेंड देता हूं आप दस बार अपना नाम लिखें आप जल्दी से लिख के दे देंगे आपको कमांड लेने की जरूरत नहीं ब्रेन से आपके इंजाइन आपका केमिस्ट्री आपका केमिकल अलाइंट है लेकिन जब मैं फौरी तौर पे आपको कमांड करूंगा उल्टे हाथ से लिख के दो तो रेजिस्टेंस आएगी उल्टे हाथ से कुछ लोग तो लिखेंगे ही नहीं कुछ कहेंगे हो ही नहीं सकता वी विल नॉट डू दैट अच्छा ये पॉसिबिलिटी नहीं है प्रोबेबिलिटी नहीं है अच्छा दो चीजें हम आमतौर पर बोलते हैं चेंज में वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस वट इज पॉसिबल वट इज प्रोबेबल प्रोबेबल इज मोस्ट पॉसिबल थिंग यानी आपकी जो सर्टन है कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटी आपने प्रिडिक्शन मारी है, वही झटका कि हो गया तो हो गया ना हुआ ना हुआ सो so चेंज में आमतौर पर ये याद रखिए फिर जब आपके पास ऑप्शन दूसरे हाथ की रह जाएगी फिर यू नीड प्रैक्टिस तो आप ब्रेन को फिर इनलाइन करेंगे आपकी केमिस्ट्री डेवलप होगी सिंक्रोनाइजेशन होगी सिंक सिंक्रोनाइजेशन आपने आ, कैमरा की प्रोडक्शन की जुबान में अक्सर देखा होगा जब तक सिस्टम्स आप पर आपस में और आईटी में आमतौर पर सुना होगा जब तक आपस आप में सिस्टम सिंक नहीं होता आप कोई चीज एडजस्ट नहीं कर सकते सो यू नीड एडजस्टमेंट फॉर इफ इफ देर इज नो सिंक्रोनाइजेशन इज नो एडजस्टमेंट सो चेंज से ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी मेरी पूरी सवाल जवाब जो हम मुसलसिल करते आ रहे हैं इसका एक ही स्टेट लाइन पॉइंट है वो है कि एब्सोल्यूटी आपका चेंज हर एग्जिस्टेंस के लिए हर आदम से वजूद में आने, आने वाली चीज अनसर्टन होगी सर्टन नहीं थी आदम को जब जमीन पे भेजा गया तो परवरदिगार ने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बहुत सारी मॉडरेशन लाया आपको यह भी पता होगा कि नूअ स्ल्लाम आदम सानी उससे पहले दोबारा बेशुमार तूफान लाए गए बेशुमार दफा जमीनें खत्म की गई बेशुमारियामतें आ चुकी फिर नूह नू आम के बाद दोबारा से एक नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू होता है तो हजरत आदम आदि बन जाते हैं फिर कितनी तब्दीलियां हुई कभी पहाड़ों के ऊपर चेंजिंग आई कभी जमीनों पर लोग आबाद हुए कभी समंदरों पर हुए आप इटली में आज भी चले जाए वहां पर बसेस और टैक्सीज की तरह कश्तियां चलती हैं सो तो इसका मतलब है तो अभी भी आपकी वो चीजें ऐसे यानी बहरो बर्क के ऊपर दुनिया कायम होना शुरू हो गई अजीब और गरीब मखलूकें भी बनने शुरू हो गई वैन कोर का सफर करें आपको मजेदार समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट दुनिया आ जाती है सो अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन अनसर्टेनिटी इज एवरीवेयर आपने देखा होगा माइनस थर्टी में लोग दुनिया जिंदगी गुजार रहे हैं लोग कनाडा का वीजे के ऊपर ठप्पे पे ठप्पा लगवा रहे हैं और उनको पता है कि माइनस थर्टी में जिंदा रहना है पाकिस्तान के कपड़ों के अंदर आप माइनस थर्टी में नहीं जिंदा रह सकते सो देर नीड अ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देर देर इज अ डिफरेंट नीड ऑफ स्ट्रक्चर वहां का आर्किटेक्ट डिफरेंट होगा वहां पर आपको इंक्लाइंड किस्म के घर मिलेंगे इस तरह से आपको वुडन के मिलेंगे हीटिंग सेंटर अलग मिलेगा फाइव, थर्टी से शुरू होता है।, so इसका मतलब है, वो एक अलग है लेकिन जिंदगी वहां पर भी है सो so मुख्तलिफ किस्म की अनसर्टेनिटीज आती हैं और आप अगर वहां पर कामयाब सोशल स्ट्रक्चर डेवलप कर दें या वहां पर भी अगर इंडस्ट्रियां लगा दें तो इसका मतलब आप एक अनसर्टेन जगह के ऊपर एक नई चीज करने जा रहे हैं सो दिस इज Similarly, it is a prerequisite. Change is prerequisite to uncertainty. Change is prerequisite to uncertainty. Change is prerequisite to uncertainty. Move on to the progressive change does not necessarily carry unpredictability with it. Indeed, a merely progress change does not. If the change takes place informally, it changes due to the act of man. Are however of two kind or a different kind. Some are produced by the

डिस्ट्रक्टिव टू क्रिएशन होते हैं या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन के ऊपर होते हैं या आ, उसके अंदर वो एक नई चीज को क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन लेकर आना चाहते हैं देन इट से मोस्ट डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोग्रेस विद इकोनॉमिक थे रिलेशन टू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब यहां इंपॉर्टेंट बात मैंने इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी देखने मुझे ये भी देखना है कि मेरी एक्सप्लेनेशन जो हो रही है वो इंटरेस्ट पर कहां हो रही है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने तो मुझे देखना है कि मैं लोगों को क्या चीज बेचने लगा हूं मैं घर बेच रहा हूं तो उनके इंटरेस्ट पे बेच रहा हूं मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से इकोनॉमीज ऑफ स्कोप चेंज हो जाएंगे मैं फेड फैशन के ऊपर चीज चेंज करता हूं मेरा आइडियाज चेंज हो सकते हैं मेरी प्रोडक्ट डिजाइन चेंज होगा मेरी प्रोडक्ट फेसिलिटेशन चेंज होगी प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी चेंज होगी प्रोडक्ट रेजुवेंट भी करेगा और प्रोजेक्ट जो है वो चेंज भी आएगा और उसके अंदर मुमकिन है स्कोप भी तब्दील हो मैन इट चेंजेबल इन इधर फॉर्म और वुड बी नो कैपिटल माइनस कर दीजिए और इंटरेस्ट नॉट एग्जिस्ट तो इंटरेस्ट मुमकिन है उसमें हो गया ही नहीं फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर भी वो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई बर्डन Dale. So, this is how progressive change comes in uncertain conditions. Thank you very much.